अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टेक्निकल तैयब यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को जीरो सब्सक्राइबर के साथ किस तरह ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए यूट्यूबर्स के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि तैयब भाई, हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर काम शुरू किया है, हमने 10-15 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जिनके यूट्यूब चैनल के ऊपर 10-15-20 सब्सक्राइबर होते हैं, लेकिन उसके बाद उनके सब्सक्राइबर आना रुक जाते हैं। तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जीरो सब्सक्राइबर के साथ अपने यूट्यूब चैनल को किस तरह ग्रो करोगे, किस तरह आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, क्योंकि जब तक आप लोगों का यूट्यूब चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम मुकम्मल नहीं होगा, आप लोगों का यूट्यूब चैनल मोनिटाइज नहीं होगा, आप लोगों को यूट्यूब से पैसे मिलने शुरू नहीं होंगे। तो आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर किस तरह बढ़ाने हैं, सबसे पहला काम करना है आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हाइड करने हैं। क्या होता है कि आप लोगों के यूट्यूब चैनल के ऊपर 10-15-20-30 या फिर 100 सब्सक्राइबर होते हैं, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अच्छा खासा काम कर रहे होते हो, आप लोगों के वीडियोज के ऊपर व्यूज भी आते हैं, लोगों को आप लोगों की वीडियोज पसंद भी आती है, लेकिन जब वो आप लोगों के नंबर ऑफ सब्सक्राइबर देखते हैं तो फिर वो आप लोगों का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, उन्हें पता चल जाता है कि ये नया नया यूट्यूबर है, इसके पास इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग ने अपने YouTube चैनल के नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हाइड करने हैं। स्टार्ट में जब आप लोग ने अपना YouTube चैनल शुरू करना है, आप लोग ने अपने YouTube चैनल के ऊपर जो वीडियोस अपलोड करनी है, आप लोग ने अपने वीडियो की लेंथ को 3-4 मिनट के अंदर अंदर रखना है, क्योंकि आप लोग नए यूट्यूबर्स हो, आप लोग की वीडियोस अगर लेंथी हैं तो कोई भी व्यूअर्स आप लोगों की वीडियोस को नहीं देखेगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है अपनी वीडियोस के अंदर टू द पॉइंट, जिस टॉपिक के रिलेटेड आप लोगों ने वीडियो बनाई है उसको आप लोगों ने कम से कम टाइम के अंदर कवर करना है। आप लोगों ने स्टार्ट में ये नहीं बोलना कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, नहीं, आप लोगों ने टू द पॉइंट बोलना है। अगर आप लोग नए यूट्यूबर हो लेकिन आप लोग थोड़े टाइम में किसी टॉपिक को कवर कर रहे हो, व्यूअर्स को यह चीज पसंद आती है कि यार इसने मेरा टाइम वेस्ट नहीं किया। तो जब आप लोग स्टार्ट में वीडियोस बनाओ तो आप लोग कोशिश करो कि जिस टॉपिक के ऊपर आप लोग बोल रहे हो उसको आप लोग कम से कम टाइम के अंदर कवर करो। उसके बाद आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर काम शुरू कर देते हो, आप लोगों की वीडियोज अच्छी होती है, लोगों को आप लोगों की वीडियोज पसंद आती है, लेकिन जब वो आप लोगों का यूट्यूब चैनल विजिट करते हैं तो आप लोग ने अपने यूट्यूब चैनल की प्रॉपर सेटिंग नहीं की होती, देखने में आप लोगों का यूट्यूब चैनल एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल नहीं लग रहा होता। तो आप लोग अपने YouTube चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करने से पहले आप लोग अपने YouTube चैनल की मुकम्मल सेटिंग करें, ताकि देखने में आप लोगों का YouTube चैनल एक प्रोफेशनल YouTube चैनल लगे, जो भी व्यूज आप लोगों का YouTube चैनल विजिट करे वो आप लोगों का YouTube चैनल सब्सक्राइब किए बगैर ना रह सके। क्योंकि यहां से होता है कि जब आप लोगों ने अपने YouTube चैनल के ऊपर प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई होती, कवर फोटो नहीं लगाई होती, उसकी मुकम्मल सेटिंग नहीं की होती, तो देखने में ऐसे होता है कि इस बंदे ने चैनल तो बना लिया, 2-4 वीडियोज अपलोड करेगा, उसके बाद यूट्यूब छोड़ देगा, तो हम इसका यूट्यूब चैनल क्यों सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप लोग अपने YouTube चैनल के ऊपर जो काम कर रहे हैं, आप लोगों ने स्टार्ट में कोशिश करनी है कि आप लोगों ने एक नीच में रहते हुए काम करना है। आप लोगों ने जिस टॉपिक के ऊपर वीडियोस अपलोड करनी शुरू की हैं, आप लोगों ने टॉपिक को कभी भी चेंज नहीं करना। स्टार्ट में आप लोगों की वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं आते, तो आप लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हो, आप लोग अपनी वीडियोज का टॉपिक चेंज कर लेते हो। तो आप लोगों ने हमेशा अपने यूट्यूब चैनल का एक ही टॉपिक रखना है, एक ही टॉपिक के अंदर रहते हुए आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर काम करना है। अब आप लोग एक टॉपिक के अंदर रहते हुए अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर काम करोगे तो आप लोगों के चैनल के कीवर्ड्स बन जाएंगे, पता चलेगा कि ये फलां चैनल है, इस पे फलां टॉपिक के अंदर रहते हुए काम करता है, मुझे अगर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है तो मुझे इस YouTube चैनल में कुछ इस तरह की वीडियोस मिलेंगी। अगर आप लोगों का टेक का चैनल है तो आप लोग कोशिश करें टेक के चैनल के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करें। अगर आप लोगों का न्यूज का चैनल है तो आप लोग न्यूज को कवर करें। यह नहीं है कि आप लोगों का टेक का चैनल है, आप लोग टेक के चैनल के ऊपर टेक के रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है न्यूज के वाले से, तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को स्विच कर लो। तो भाई अगर आप लोग अपने YouTube चैनल के टॉपिक को स्विच करोगे तो आप लोगों का YouTube चैनल डेड हो सकता है। आप लोगों के YouTube चैनल की वीडियोस के ऊपर थोड़े व्यूज आते हैं या ज्यादा व्यूज आते हैं, आप लोगों ने अपने YouTube चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस अपलोड करनी है आप लोगों ने अपनी वीडियोस का प्रॉपर SEO करना है, क्योंकि जब तक आप लोगों के वीडियोस का प्रॉपर SEO नहीं होगा, आप लोगों के पास सब्सक्राइबर भी नहीं है, आप लोगों के वीडियोस के ऊपर व्यूज भी नहीं आ रहे, आप लोगों के YouTube चैनल का वॉच टाइम भी अच्छा नहीं है, तो आप लोगों की वीडियो सर्च रैंक में नहीं आएंगी। तो स्टार्ट में अगर आप लोग अपने YouTube चैनल के वीडियोस के ऊपर व्यूज चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी वीडियो का प्रॉपर SEO करना है, ताकि आप लोगों की कोई एक वीडियो सर्च रैंक में ऊपर आए। जब आप लोगों का नया नया यूट्यूब चैनल है, आप लोगों की वीडियो सर्च रैंक में ऊपर आ जाती है, तो फिर यूजर आप लोगों की वीडियोस को जरूर देखते हैं, क्योंकि जब भी आप लोग यूट्यूब के ऊपर कोई चीज सर्च करते हो तो जो भी वीडियो आप लोगों को टॉप पे मिलती है आप लोग उस वीडियो को देखते हो। तो स्टार्ट में आप लोगों ने कोशिश करना है कि प्रॉपर SEO के साथ वीडियोस अपलोड करें, ताकि सर्च रैंक में आप लोगों की वीडियो सबसे ऊपर आए। अभी मैं आप लोगों के साथ जो टिप शेयर करने जा रहा हूं, जिससे आप लोगों के नंबर ऑफ सब्सक्राइबर काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट में आप लोग यूट्यूब के ऊपर काम करते हो, आप लोगों के वीडियोज के ऊपर व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं आते, तो आप लोग वीडियोज अपलोड करनी छोड़ देते हो। भाई अगर आप लोग यूट्यूब के ऊपर काम करना चाहते हो, आप लोगों के वीडियोज के ऊपर थोड़े व्यूज आते हैं या ज्यादा व्यूज आते हैं, आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर कंसिस्टेंसी से काम करने हैं। जब तक आप
लोग अपने YouTube चैनल के ऊपर कंसिस्टेंसी से काम नहीं करोगे, आप लोगों का YouTube चैनल कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। अगर आप लोग एक कंसिस्टेंसी से YouTube के ऊपर काम कर रहे हो तो YouTube एक मशीन है यार, आप लोग उसके ऊपर रोजाना बेसिस पे एक एक वीडियो अपलोड करते जा रहे हो तो एक दिन वो आप लोगों की वीडियो को जरूर रैंक करेगा। क्या होता है कि YouTube भी आप लोगों को देखता है कि आप लोग YouTube के ऊपर 10-15-20 वीडियो अपलोड करते हो, फिर आप लोग 2-3-4 हफ्ते की ब्रेक ले लेते हो, फिर वीडियो अपलोड करते हो, तो YouTube को पता चल जाता है कि यार ये बंदा अपने YouTube चैनल के साथ सिंसियर नहीं है, इसको अगर हम प्रमोट करेंगे तो बाद में ये हमें नुकसान देगा क्योंकि ये YouTube को छोड़ के चला जाएगा। लेकिन एक बंदा अपने YouTube चैनल के ऊपर कंसिस्टेंसी से काम कर रहा है तो YouTube मशीन को पता चल जाता है कि यार इस बंदे को मैंने ग्रो करना है, क्योंकि ये बंदा लॉन्ग टर्म के लिए है, ये कंसिस्टेंसी से काम कर रहा है, YouTube के ऊपर काम करने के लिए है, ये नहीं है कि YouTube के ऊपर शुगल मेला लगाने के लिए है। तो आप लोगों ने अपने YouTube चैनल के ऊपर रोजाना बेसिस पे वीडियोस अपलोड करनी है। आप लोगों का काम है वीडियोस अपलोड करना, YouTube का काम है कि आप लोगों की वीडियो को रैंक करना है। अगर आप लोगों की वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे, व्यूज डाउन हो रहे हैं, तो आप लोगों ने फिर भी अपने YouTube चैनल के ऊपर कंसिस्टेंसी से काम करना है। उसके बाद अगर आप लोगों का YouTube चैनल के ऊपर थोड़े सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों के वीडियोस के ऊपर कम व्यूज आते हैं, लेकिन आप लोगों के वीडियोस के ऊपर जितने भी कमेंट्स आते हैं आप लोगों ने सारे के सारे कमेंट्स को लाइक करना है, हार्ट पास करना है, उसके बाद सारे के सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना है। अगर आप लोग छोटे यूट्यूबर हो, किसी यूजर के आप लोग कमेंट का रिप्लाई करते हो तो यूजर को पता चल जाएगा, इस यूट्यूब चैनल के नीचे मैं अपनी क्यूरी करूंगा तो मुझे यहाँ से क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा। तो आप लोग स्टार्ट में कोशिश करेंगे अपने तमाम कमेंट्स का रिप्लाई करें, यूजर के साथ आप लोग अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाएं। उसके बाद अगर आप लोग स्टार्ट के सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे तो भाई आप लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हो, आप लोग दोस्तों के साथ अपना लिंक शेयर करके अपने लिंक के थ्रू आप लोग दोस्तों से सब्सक्राइबर इकट्ठे करते हो, यहाँ पे आप लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हो। भाई आप लोग ने कभी भी अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करके दोस्तों से अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। आप लोगों ने कोशिश करनी है 10 हैं 15 हैं या 20 हैं आप लोगों के ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर हैं तो फिर आप उनका चैनल वेल एंड गुड है। अगर आप लोगों ने दोस्तों से या लिंक शेयर करके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो आप लोगों के सिर्फ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आप लोगों के वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आएंगे, इस तरह आप लोगों का यूट्यूब चैनल डेड भी हो सकता है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, मज़ीद इस तरह के वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।